हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली MCQs डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन के ऊपर। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मेरे क्लास नोट्स है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप MCQs देखिए, कहीं से पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँगा, देन इसके बाद हम MCQs डिस्कस करेंगे जिसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लगभग 35-40 के करीब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके बाद माइक्रो के क्वेश्चन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें ये दोबारा इसके क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग उसके भी हम 60-70 क्वेश्चन करेंगे, मतलब माइक्रो वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रोडक्शन डिमांड वगैरह जो भी चैप्टर थे इसमें, ठीक है। चलिए मैं पहले रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ में आपने इनपुट दिया, इसकी प्रोसेसिंग हुई और देन आपको आउटपुट मिला, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन जो भी होता है, प्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली, प्रोडक्शन जो भी होगा वो इकोनॉमिक्स की टर्म में देखा जाएगा। अगर उस पर कुछ ना कुछ पैसों की टर्म में इसका प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अपने फ्रेंड के लिए गाना गा रहा हूँ तो इसका कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन बेसिकली देखो होता क्या है, वो यूटिलिटी क्रिएशन होता है कि आप कितनी चीज़ें बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। और इसके लॉ ये होते हैं कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाता है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, वो है लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ भी प्रोडक्शन फंक्शन वर्ड लग जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि रिलेशनशिप क्या होता है प्रोडक्शन का फैक्टर के साथ। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन का किसके साथ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है? जो मैंने ऊपर चार बताए, इसको ऐसे ही बोल सकता है कि ये रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, ये मैंने आपको बताया था। फिर आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इसी के ऊपर सारी गेम चलती है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप चॉकलेट बनाते हो। आज आपने 500 चॉकलेट टोटल बना दिया, कितनी मशीनें यूज़ करी, कितनी लेबर यूज़ करी, वो अलग चीज़ है। उसके बदले में आपने टोटल जो बना दी चॉकलेट, वो आपका पूरा की पूरा प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने एक मशीन बढ़ाई या एक लेबर या कुछ भी आप बढ़ा रहे हो, उसके चक्कर में आपका टोटल 500 चॉकलेट थे, उसमें मार्जिनल का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 500 चॉकलेट बना रहे थे, अभी आपने कुछ लेबर बढ़ाने की वजह से आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर लेबर बढ़ाओगे तो काम भी होगा ना एक्स्ट्रा, 500 तो पहले ही बन रहे थे दिन के। अब मान लो उस बंदे ने नई लेबर बढ़ाने से आज आपके 50 चॉकलेट ज़्यादा बने, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 550। इट मीन्स कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल तो जो है वो है ही है, उसमें कुछ भी नया ऐड होगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल वो फ़र्क है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर डिक्रीज हो इंक्रीज हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो टोटल प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन जिसका भी निकालना है उसमें से पीछे वाला माइनस कर दो। जैसे पीछे वाला टोटल 500 था, अभी वाला 550 है, मैंने बोला कि इसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना था, आप बोलो कि इसमें से पीछे वाला माइनस कर दो, तो 50 का मार्जिनल प्रोडक्ट था, ठीक है। उसके बाद टोटल, उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज आपने पढ़ा है ना, टोटल प्रोडक्शन, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन है 500, उसके ऊपर क्वांटिटी कितनी यूज़ करी, नंबर ऑफ यूनिट कितने यूज़ करे, फैक्टर जो भी आपने लेबर करा, मान लीजिए 100, तो इसका मतलब एवरेज कितना आया, 5 चॉकलेट हर एक बंदा बना रहा है, ये एवरेज प्रोडक्शन हो गया। एवरेज हमेशा क्या होता है, टोटल के नीचे डिवाइड करना होता है क्वांटिटी से, समझ आई बात की। चलिए आगे देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपका प्रोडक्शन होता है। आपकी एक लेबर थी, कंडीशनें क्या क्या हो सकती हैं, एक लेबर बढ़ाने से उसने जितना, एक बंदा 100 चॉकलेट बना रहा था, एक और आया था 200 बनेगा, मतलब जितनी लेबर बढ़ाई उसी के बिल्कुल वैसा ही जैसे सोचा था वैसा ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रिटर्न, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न, जिसको बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और परसेंटेज चेंज इन इनपुट दोनों बराबर हैं, जिसको आप क्या नाम देते हो, इसको नाम क्या देते हो, कांस्टेंट रिटर्न का नाम देते हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक नया बंदा लगाया, उसने काम ज़्यादा कर दिया, पहला 100 करा था, इसको भी 100 करना था लेकिन 120 कर दिया इसने, इसका मतलब ज़्यादा बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद देखिए, अगर मैंने बंदा ज़्यादा लगाया तो 100 पहले करा था, अगले वाले ने 100 नहीं किया, मैंने 80 किया, टोटल 180 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी मार्जिन प्रोडक्शन तो आ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न में। कैसे? रिटर्न जो मुझे वापस मिल रहा है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहा है। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि मैंने बंदा लगाया लेकिन पहले 100 काम हो रहा था, अब एक और लगाने से उल्टा मेरा 80 काम हुआ, मतलब मेरा कम हो गया, इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो मतलब टोटल में कुछ ऐड होने वाला कुछ नहीं बचा,
अब कुछ बचा नहीं ऐड होने वाला, इसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे टोटल जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। जो टोटल प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए 10,000 चॉकलेट बनाए, मार्जिनल बढ़ रहा था, कभी 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, हर बार ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न पे काम करता है। 6 बढ़ा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा तो टोटल इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्शन, और इसको कांस्टेंट या मैक्सिमम बोल सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको दो लॉ पढ़ने हैं, एक कौन सा शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है कि आपका एक वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, बाकी सारे क्या होंगे, फिक्स कर दिए जाएंगे। जैसे लैंड था, कैपिटल था, तो ये मैंने जो चार बताए थे उन सब में एक को चेंज करना, बाकी को कुछ नहीं लेना देना, वो सारे एक ही जगह फिक्स है, उसको चेंज नहीं करेंगे, ये होता है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, बस इसको याद रखना। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट रन की कुछ एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं, जो रिजल्ट निकल के आएगा मैं बताऊँगा आपको, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसे क्वेश्चन बनता है, यही से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे सिंगल में क्या है, देखो बाकी मैंने सारे फिक्स कर दिए, कोई लेना देना नहीं है। लेबर को मैं चेंज करके एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले एक लेबर थी, मुझे प्रोडक्शन 10 चॉकलेट का हुआ, एवरेज कैसे निकलती है, टोटल 10 का एक बंदा था तो 10 की एवरेज निकल गई, देखो 10 एवरेज। मार्जिनल प्रोडक्ट कितने का है, पहले स्टार्टिंग में 0 था, 10 हो गया, बढ़ाई कितने 10, तो 10 आ गया। मैंने लेबर एक और बढ़ाया, मुझे लगा कि नहीं यार मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है, मैंने एक लेबर और बढ़ा दी। अब इसके आने से देखो क्या हुआ, 10 और 10 और काम होना चाहिए था, लेकिन इसने तो 22 कर दिया, इसका मतलब मेरे को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो एवरेज कितनी हुई, 22 दो में बट गई, 22 बढ़ा दो 11 आ गया एवरेज। ये निकालना नहीं आपको, समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल हमेशा इंक्रीज़ होगा, तो टोटल तो इंक्रीज़ होना ही होना, देखो टोटल में 10 में 12 बढ़ गए, तो वो 12 क्या है, मार्जिनल था। इसी तरह आगे चलते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्जिनल बढ़ता बढ़ता रुक जाएगा, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्जिनल कितना आ रहा था, देखिए 3 लेबर 36 में मार्जिनल कितना आया यहाँ पे, 14 का। अब देखिए 4 46 के हिसाब से ये एवरेज था, मार्जिनल कितना आया, अब 10 का हो गया, अब मार्जिनल क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब पहले 10 ज़्यादा चॉकलेट बढ़ा एक बंदा बढ़ाने से, दूसरा बढ़ाया तो 12 बढ़ा, तीसरा बढ़ा तो 14 प्लस हो गया मेरे पास, एक्स्ट्रा आ रहा था, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर वाले को बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, जब मार्जिनल रेट क्या हो आपका, इंक्रीज़ हो। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर मार्जिनल रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ ही होगा ना, क्यों, क्योंकि मार्जिनल का मतलब कुछ ऐड हो रहे हैं चॉकलेट, तो टोटल में तो ऐड होता जाएगा, इंक्रीज़ होगा। अगर मार्जिनल डिक्रीज़ होगा तो भी तो टोटल देखो बढ़ रहा है, 46 से 50 हुआ, 50 हुआ, तो भी बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न में भी, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न में मतलब थोड़ा कम होना, ये दूसरी स्टेज है, पहली में इंक्रीजिंग है, दूसरी में डिक्रीजिंग है, तीसरी में, और ये सबसे कम्फर्ट स्टेज मानी जाती है, मतलब दूसरी स्टेज में कोई भी चाहता है कि काम करना, क्योंकि ये मैक्सिमम होती है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न मिलता जाता है आपको, तो दूसरी स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। अब अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, मतलब ऐड तो कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा कम होना स्टार्ट हो गया, तो टोटल में भी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 कंडीशनें बनती हैं इसके भी हाफ पे, देखिए ये ग्राफ बनता है, इसको ग्राफ को ध्यान से समझना, ग्राफ ऐसे बनता है इसका, जब भी क्वेश्चन नहीं समझ ऐसे लिख लेना, यहाँ पे ये टोटल में अच्छा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बाद में कम होना स्टार्ट होगा जब नेगेटिव आएगा। अगर मार्जिनल की बात करें वो बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपने देखा ऊपर नेगेटिव हुआ -1। एवरेज हमेशा इसके नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मैक्सिमम वहाँ पे कट करता है, फिर एवरेज प्रोडक्शन भी नीचे गिरना स्टार्ट होता है, एवरेज नेगेटिव नहीं होता। ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये टोटल प्रोडक्शन है। यहाँ पे याद रखना कि जब आपका एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होगा, उस केस में क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। मैंने बताया भी था कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, उस केस में आपका एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब इस केस में बोल सकते हो आप, इस केस में, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ओहो सारा ही रेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यह है आपका मार्जिनल, यह एवरेज, यह है टोटल। जब मार्जिनल आपका मैक्सिमम होगा, इस केस में आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, जब मार्जिनल मैक्सिमम होगा, जब कांस्टेंट मतलब 0 हो गया, इस केस में टोटल मैक्सिमम। लेकिन जब एवरेज बढ़ता जा रहा है तब टकराता है मार्जिनल से, और हमेशा उसके नीचे होता है, लेकिन इसके बाद एवरेज भी कम होना स्टार्ट होगा, मार्जिनल भी कम होना स्टार्ट होगा, रिलेशन ये बनता है। देखो यहाँ पे ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि अगर आपका एमपी इंक्रीज़ होगा, मार्जिनल इंक्रीज़ होगा, तो मुझे बताइए एवरेज प्रोडक्शन में क्या होगा। भाई मार्जिनल इंक्रीज़ का मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, तो एवरेज भी कुछ बढ़ेगी, तो इसका मतलब इस केस में मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा होता है, ऐसे बोल सकते हो।
जब एम पी डिक्रीज होगा तो एम पी एवरेज से कम हो जाएगा, एम पी जीरो या नेगेटिव होगा तो एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ से रिलेशन समझो ये वाला, देखो टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में कॉमन सी बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल इंक्रीज़ होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है ना तो भी टोटल डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। जब एम पी जीरो तो कॉन्स्टेंट मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो तब जाके ये डिक्रीज़ होगा। एक ये रिलेशन याद रखना एक इसका। दूसरा लॉन्ग रन को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और पहले को क्या बोलते हैं शॉर्ट रन को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं रिटर्न। तो ये मैंने डाटा समझा दिया, इसमें भी आपको याद कुछ नहीं रखना, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में इंक्रीज होता है, कॉन्स्टेंट होता है, डिक्रीज होता है, और शॉर्ट में क्या था, कॉन्स्टेंट नहीं था, उसमें इंक्रीज डिक्रीज और नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव नहीं होता, ऐसा याद आपको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यह लॉन्ग रन इससे क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको भी एमसीक्यूज़ पे लेके चल रहा हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया था। आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है यहाँ पे, बस एक ही ग्राफ ये वाला याद रख लेना, जब एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, ये मार्जिनल ये एवरेज जब मिलते हैं तो एवरेज अपने मैक्सिमम पीक पे होता है, जब एवरेज मैक्सिमम हो तो मार्जिन प्रोडक्ट को मिलता है ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हो डिक्रीजिंग आते टाइम नहीं मिलता, इंक्रीजिंग टाइम मिलता है। इसके बाद जब एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा हो, एवरेज जब इंक्रीज़ हो रहा हो, एवरेज इंक्रीज़ का मतलब आज सबकी जेब में तीन तीन रुपये हैं, चार बंदे होने से सबकी जेब में चार चार हो गए, इसका मतलब आने वाला ज़्यादा लेके आया, अपने भी चार लेके आया, आपको भी एक एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो ज़्यादा होने के चक्कर में मार्जिन प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगा, इसका मार्जिन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। जब एवरेज प्रोडक्शन डूबता है, मतलब आप समझ लो कि जब आप एपी का मतलब आप, जब आप नीचे जाते हो तो नीचे जाते जाते आप हाई हो जाते हो, एमपी से मार्जिन प्रोडक्ट से आप ज़्यादा हो जाते हो, ये रिलेशन याद रखना, क्वेश्चन आता है। एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो मार्जिन प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होगा, जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा होगा तो वो उस टाइम पर ज़्यादा हो जाता है मार्जिन प्रोडक्शन, ऐसे याद रख लो कि डिक्रीज़ मतलब कम होते होते आप क्या हुआ, ज़्यादा हो गए मार्जिनल से, ठीक है। चलिए अब मैं एमसीक्यूज़ के ऊपर आता हूँ, ये मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अब मैं एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ, जिन बच्चे ने पढ़ा उनको तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपने भी अच्छे कहीं से पढ़ा है तो आपको भी समझ आई होंगी बातें। चलिए मैं अब क्वेश्चन लेता हूँ, अब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज की कृपाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन प्रोडक्शन फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ भी आएगा, इसका मतलब प्रोडक्शन का क्या है, रिलेशनशिप बताना होता है, तो वो किसके साथ होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का बेसिक फंक्शन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, आपने सबसे सीखा भी होगा, सबने आपको सिखाया भी होगा, तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जब भी आप कोई भी काम करते हो वो हमेशा, आज आपको मैक्सिमम चीज़ मिली है तो हमेशा वो बढ़ती नहीं जाएगी, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगी, चीज़ कम होना स्टार्ट हो जाए, उसका मेन रीज़न क्या होता है, सबसे मेन रीज़न तो एक ये है कि स्केयरसिटी होती है फैक्टर की, मतलब चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाता है, बाकी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशनल बिटवीन फैक्टर, जो फैक्टर होते हैं जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल एंटरप्रेन्योर लेबर हो गया, ये चार फैक्टर प्रोडक्शन है, इनके बीच में ना जो सब्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है, बहुत इसका आंसर है बहुत आप दीज। चलिए बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो मैंने आपको दो लॉ पढ़ाए थे, लॉ प्रोडक्शन में बताया था आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट को बोलते हैं वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉन्ग को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये तो आपको सबको अच्छे से आता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्निंग इंक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न स्केल, तो आंसर है लॉ ऑफ रिटर्न स्केल्स। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर रेशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो आपका कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किस में अच्छा फील करता है, रेशनल का मतलब होता है वो सोच समझ के प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर जो सोच समझ के काम करता है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, तो याद रखना वो सेकंड स्टेज में होता है, वो सेकंड स्टेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, मतलब टोटल में
हमेशा कम होना स्टार्ट हो जाता है, टोटल में कुछ ऐड कम होना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यही क्वेश्चन आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में लास्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बेसिक में इससे पहले जो मैंने समझाया आपको, जो भी हमारे बच्चे उनको तो हमने समझा दिया, बाकी आपको एमसीक्यूज आपने पढ़ा भी होगा। देखो क्या है इसमें, बेसिकली मैंने बोला एक ही ग्राफ को याद रखो, ये होता है आपका मार्जिनल जो नेगेटिव हो जाता है, इसमें ये एवरेज बढ़ता है लेकिन ये कम होना नेगेटिव नहीं आता, और टोटल प्रोडक्शन ऐसे बढ़ता है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम होता है जब जीरो हो जाएगा, मार्जिन मतलब कुछ ऐड होना, तो टोटल प्रोडक्शन उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, ये मैक्सिमम होता है। मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, क्या दोनों की दोनों एमपी और एपी राइज होते हैं। कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, देखो पहले स्टेज की बात कर रहा है, इस केस में क्या एमपी एपी राइज होते हैं, बिल्कुल दोनों की दोनों राइज होते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन भी राइज होता है, मार्जिन प्रोडक्शन भी राइज होता है। लेकिन जब भी एवरेज प्रोडक्शन राइज होगा, मैंने बताया हुआ अच्छे से, मार्जिन प्रोडक्शन हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगा, दोनों इंक्रीज होंगे। जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा मार्जिन प्रोडक्शन, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो इस केस में आएगा पहले वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज, तो किस टाइम पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर, सारे फैक्टर चेंज होने हैं, तो वो लॉन्ग रन में होते हैं, शॉर्ट में क्या होता है, एक ही फैक्टर चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर अमंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बहुत है एन बी नन ऑफ दी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको मैक्सिमम गलत करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर काम करता है। बेटा एक वेरिएबल, रेस्ट तीन फिक्स होते हैं, इसका मतलब काम तो दोनों कर रहे हैं ना, तो आंसर इसका बहुत आएगा, ये दोनों इसके पार्ट हैं। ठीक है, चलिए। दिस साइकिल विच इंक्रीज फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट टू रिड्यूस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा साइकिल होता है जिसमें पहले तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव की बात नहीं करी है, तो इस केस में आप आंसर क्या लगाओगे गाइज। सबसे पहले देखिए एवरेज प्रोडक्शन, बिल्कुल पहले इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही आता है, उसमें ये स्टेज आती है। मार्जिन प्रोडक्ट में भी पहले इंक्रीज, कांस्टेंट जब जीरो होता है उसके बाद डिक्रीज, बिल्कुल आता है। टोटल प्रोडक्शन में पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, डिक्रीज होता है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो 99% आंसर होता ही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगी तो ऑल ऑफ दीज लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, इसको सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कर लेना। ठीक है, चलिए। क्या लैंड होता है, क्या लैंड होता है, बिल्कुल होता है। लेबर होती है, बिल्कुल होता है। कैपिटल होता है, बिल्कुल होता है। और एक एंटरप्रेन्योर भी होता है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इज रिलेटेड टू, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके रिलेटेड है, तो आपको मैंने बताया था शॉर्ट रन के। ठीक है, पहले पढ़ लिया हमने क्वेश्चन 12। देखिए एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्टिव फैक्टर कौन सा होता है, तो लेबर इसका एक्टिव फैक्टर होता है, जो एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डेली अप एंड डाउन वगैरह, तो इसको आप एक्टिव फैक्टर ऐसे याद। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज करेक्टराइज्ड बाय, जो शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स में, आप टर्म पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म, जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसको किस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हो। देखो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, और एक ही इसको कर लो एट लीस्ट। ठीक है, एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री। चलो मान लीजिए आपको ये आगे वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन इतनी बात तो समझ आई है कि जो आपका शॉर्ट रन है उसमें एटलीस्ट वन फैक्ट्री फिक्स किया जाता है, यहाँ तक तो ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी इसमें डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली अ पीरियड विच इज शॉर्ट शॉर्टर देन वन ईयर, तो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने बोला ना एज के रिलेटेड होता नहीं है, ये दो साल के नीचे भी शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट रन में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड नो वेरिएबल, में क्या सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं शॉर्ट में, वो तो लॉन्ग में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड, क्या सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो भी मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक बात आए तभी आंसर होगा, यही तो चीज़ होता है कि पढ़ना और एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट करना दोनों में फ़र्क होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम के अंदर आती हुई चीज़ को छोड़ के आओगे, ये कन्फर्म होता है। ठीक है,
और GKSS भी आपको इतने अच्छे तरीके से करवा रहा है, इतने MCQs करवा रहा है कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, आएगा तो भी आंसर करके आ जाओगे क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, तो कौन सी चीज़ें जो मनी कॉस्ट में इंक्लूड होती है। पहला ऑप्शन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो मनी कॉस्ट में बिल्कुल आएगा। एक्सप्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिटीज मैंने आपको, ठीक है, इम्प्लिसिटीज और एक्सप्लिसिट मैंने आपको कॉस्ट में पढ़ाया था, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया था, कॉस्ट भी पढ़ाया था मैंने आपको। एक्सप्लिसिट क्या होता है, मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000, आप बाहर पिकनिक जाते हो घूमने, तो आपने 5,000 खर्चा कर दिया, तो ये जो बाहर आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया ना इनकम के बिना भी, जो एक्स्ट्रा खर्चा जो आप नहीं जाते तो नहीं होता, ये होता है आपके एक्स्ट्रा खर्चे। लेकिन इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, आप 5 दिन का हॉलीडे लिए, यहाँ पे 5 दिन का हॉलीडे लेके आप बाहर गए तो इतना खर्चा कर दिया। अब आप 5 दिन का हॉलीडे लेके बाहर गए, आपने 5,000 खर्चा करा, ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन आपने 5 दिन यहाँ से छुट्टियाँ ली तो इसकी सैलरी भी आपकी कट जाएगी, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट। तो इसमें मनी के अंदर सब कुछ आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुए अभी। इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू डैट, ये चार ऑप्शन है। देखो पहले समझा देता हूँ मैं, देखिए बोल रहा है कि अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये होता है अगर आप इसका मार्जिनल एवरेज, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इट मस्ट बी। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करना है, एवरेज से कम करना है, यही बोल रहा है ना, बिलो कम करना है। तो मैंने बताया था ना कि AP आप कम होंगे तो MP से ज़्यादा हो जाओगे, MP से ज़्यादा हो जाओगे, अगर आप इंक्रीज होंगे तो MP आपसे ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ये। तो इसका आंसर होगा कि AP इज़ फॉलिंग, क्या आंसर होगा इसका, AP डिक्रीज होगा तभी ऐसा होगा, डिक्रीजिंग में एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। चलिए, चेंज इन प्रोडक्शन क्वान्टिटी इफेक्ट, अगर आप प्रोडक्शन चेंज, मतलब चेंज इन प्रोडक्शन क्वान्टिटी इफेक्ट, जो चेंज इन प्रोडक्शन में चेंज आता है वो किस किस को इफेक्ट होता है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आएगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन में फ़र्क तो वही डालेगा ना जो चीज़ें चेंज हो रही है, जो चेंज ही नहीं करे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट वाला। बट हैपन्स वेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, ऐसा क्या होगा जब आपका प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करे, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर जाए, वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, फिक्स कॉस्ट बिकम जीरो, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जब आप वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट जीरो कर दोगे, जब आपका कॉस्ट चेंज होना जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन जीरो हो गया। तो इस केस में आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आएगा आपको, मैंने बेसिक में ही पढ़ाया था, हर जगह आ रहा है क्वेश्चन ये। चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप सेक्रीफाई कर रहे हो, मतलब दो चीज़ों में एक चूज़ कर रहे हो, एक को छोड़ना पड़ रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो जो छोड़ रहे हो सेक्रीफाई कर रहे हो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब पैसों के टर्म में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, फिर से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज़ ही कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज होता है, एवरेज कॉस्ट जब आप डिक्रीज होते हो तो आप बड़े हो जाते हो मार्जिनल कॉस्ट, इतना पता हो तो आंसर आ जाएगा। चलिए एवरेज कॉस्ट बड़ी करनी है तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट मार्जिनल से बड़ी, आंसर आ गया, छोटी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। मान लो इक्वल आपको नहीं पता तो भी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन आएगा आपको, ठीक है। व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया, अल्टरनेट जिसको आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बिल्कुल सही है, जो आपको फ़ायदा हो सकता था उस चीज़ में वो आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफ़र अर्निंग बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ दी, जिसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, अच्छा क्वेश्चन है। रिटर्न टू स्केल बिल्कुल सही है, ये क्या है लॉन्ग रन वाला, आता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बिल्कुल सही है, यही तो होता है सेकंड स्टेज के अंदर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, तो यही तो है आपका शॉर्ट रन वाला। लास्ट में डेफिनेटली आंसर होगा जो आपने नहीं पढ़ा था, यही इसका आंसर होगा,
आई बात समझ, तो ऑप्शन से आंसर निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, एवरेज हमेशा क्या होता है, टोटल बटा जो भी क्वांटिटी होगी, इसका मतलब डिवाइड में आएगा, डेफिनेटली मल्टीप्लाई में टोटल वैल्यू निकलेगी, टोटल वैल्यू को प्लस कर दो क्वांटिटी से नहीं आएगी, टोटल वैल्यू से क्वांटिटी नहीं आएगी, तो आंसर क्या होगा कि टोटल वैल्यू जो है उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो, वही एवरेज होता है। तो डिवाइड वाला पार्ट भी पता था तो भी आंसर आ जाता। चलिए गाइज, आज के क्वेश्चन में ये भी खत्म कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में कमी है अभी भी, तो 499 का बिल्कुल सबसे फ्री आप कॉस्ट कोर्स समझ सकते हो इसको आप, जिसमें 3 courses 50 तक मॉक टेस्ट देंगे आपको सेक्शनल, इवन कि इतने सारे 600 से 700 तक लेक्चर पड़े हुए हैं, इतने अच्छी क्वालिटी के लेक्चर हैं, MCQs दे रहे हैं, MCQs के साथ साथ आपको PDF दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि J&K का हर गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।